हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हनीशा कोचिंग पर। तो आज हमारी टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है और सेंटेंस की वैरायटी कितनी है। तो दोस्तों, जो हम और आप आपस में बातें करते हैं, ये जो बातें हैं ना, वही तो है सेंटेंस। सेंटेंस जानने से पहले आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूँगी कि लेटर्स और वर्ड्स क्या होते हैं। लेटर्स ए टू जेड, जिसे हम अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं, ये हमारे लेटर्स होते हैं। और वर्ड्स, लेटर्स का जब ग्रुप बन जाता है तो वो कहलाता है वर्ड्स, और जिसकी एक मीनिंग निकलती हो। फॉर एग्जांपल, एप्पल, ए क्या है, एक लेटर है, डबल पी ये क्या है, ये भी एक लेटर है, एल ई, लेकिन इसका एक ग्रुप बना हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, वर्ड्स, और इसकी एक मीनिंग भी निकल रही है। एप्पल मीन्स होता है सेब, चूंकि एक फ्रूट है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि ये बेसिक चीजें थी। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे, सेंटेंस क्या है। वर्ड्स को जब कंबाइन कर देते हैं, उनका ग्रुप बना देते हैं, वही कहलाते हैं हमारे सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल इज स्वीट फ्रूट। एप्पल क्या है, एक वर्ड है, इस क्या है, ये भी एक वर्ड है, स्वीट क्या है, ये भी वर्ड है, फ्रूट ये भी वर्ड है, ये सारे वर्ड जब मिलकर ग्रुप में आ गए तो क्या कहलाता है, सेंटेंस। सेंटेंस के लिए दो शर्तों का होना बेहद जरूरी है। पहली शर्त क्या है, दो या दो से ज्यादा अल्फाज हो, और दूसरी शर्त क्या है, उसका कोई सेंस निकलता हो, मीनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट द फूड, इसका सेंस निकल रहा है कि मैं भोजन करती हूँ। द फूड आई, इसका कोई सेंस निकल रहा है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखते हैं अब टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, कितने हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, जिनमें काम हो रहा हो उसे बताया जा रहा हो, और अगर काम ना भी हो रहा हो तो भी उसे बताया जाता है। इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और हमारा सेकेंड है निगेटिव सेंटेंस, जो कि नो के सेंस में आता है। एग्जाम्पल, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव वे में है, अफर्मेटिव हमारा हो गया। दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट है चूंकि, तो निगेटिव सेंस में गया, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपने ये वर्ड्स तो सुने होंगे कि पुलिस उसे ले गई है इंट्रोगेशन के लिए, या फिर कभी कभी हम खुद बोलते हैं कि अरे यार तुम कितना इंट्रोगेट करते हो। अब इंट्रोगेट क्या है, तो इंट्रोगेट का मीन ही है क्वेश्चन करना, या आपको कहीं भी अगर ये सिंबल दिखे ना तो मान लो कि भैया ये इंट्रोगेटिव ही है। किसी भी तरह की कोई भी बात आप पूछना चाहो या आपसे पूछी जाए तो वो क्या कहलाती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं। या फिर वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है, जिसमें भी क्वेश्चन किया जा रहा हो वो क्या हो जाएगा हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस। इसे हमने हमारे स्कूल में काफी सुना होगा, जब हमें हमारे टीचर्स कहते हैं चुप हो जाओ, शोर मत करो, चलो अब सभी लोग अपनी अपनी बुक्स निकालो, और अगर वहीं पे किसी ने शरारत कर दी तो टीचर्स क्या बोलते हैं, चलो क्लास से बाहर निकलो। सो फ्रेंड्स, इसी तरह सेंटेंस जो है वो क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। आइए इसे और भी क्लियर तरीके से समझते हैं। तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, या जिसे हम सजेशन कहते हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं किसमें, इम्परेटिव सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, गो देयर, वहां जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वे सेंटेंस जिसमें हम कोई हैरानी की बात कहते या सुनते हैं, वो एक्सक्लेमेशन से बना होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेशन से बना होता है, जिसका मीन होता है हैरानी। हिंदी में हम इसे विस्मय कहते हैं, और नॉर्मल लैंग्वेज में इसे हैरानी बोलते हैं। जब कोई बात सुनकर किसी को हैरानी होती है, या सुनकर एकदम से वो शॉक्ड हो जाता है, चाहे वो खुशी की बात हो या गम की बात हो, वो क्या कहलाएगा फिर, एक्सक्लेमेटरी। फॉर एग्जाम्पल, ओ अलाज एक्सेट्रा, वाट अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग इट इज, कितनी खूबसूरत इमारत है। नेक्स्ट, वाट अ प्लान, क्या योजना है। अब लास्ट सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब हम हमारे दोस्तों या रिश्तेदारों को खास अकेजन पर विश करते हैं या दुआएं देते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गुड लाइफ, इस तरह के सेंटेंस जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं,
तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड हेल्प यू, खुदा आपकी मदद करे या ईश्वर आपकी मदद करे। मे यू बी हैप्पी इन लाइफ, आप जिंदगी में खुश रहें। मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आपको जिंदगी में खुशहाली मिले। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।